हेलो एवरीवन तो हमने एटीएम चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ एटीएम एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने एटीएम टी एम एंड ऑप्शन लेर स्टडी किया था यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्चुअल चैनल्स और वर्चुअल पाथ ठीक है तो हमने इनिशियली uh, जब हम फंडामेंटल्स ऑफ ए हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो वहाँ पर हमने ए यानी कि आसिन मोड में किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र होता है तो वो हमने देखा था एज़ वेल एज़ ये जो ए टी एम हमारे पास है कम्युनिकेशन है ठीक है यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ओवर ए टी एम नेटवर्क तो ये हमारे पास एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है है ना दैट मीन्स कि अगर दो नेटवर्क के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन uh, करना हो तो हमें एक पाथ इस्टैब्लिश करना होता है दैट मीन्स कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद ही डाटा ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर तो ये जो आ, पाथ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स कि एक चैनल क्रिएट हो रहा है ठीक है ये एक वर्चुअल पाथ हो सकता है ठीक है और एक फिजिकल पाथ भी हो सकता है दैट मीन्स कि वायरलेस कनेक्शन दैट मीन्स कि हमें एक वर्चुअल पाथ या वर्चुअल चैनल क्रिएट करने की नीड है एंड अगर फिजिकल कनेक्शन के थ्रू अगर डाटा ट्रांसमिट करना हो तो वायर्स केबल्स के थ्रू हम ट्रांसमिट uh, करते हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड एटीएम नेटवर्क जो भी एटीएम टी का कम्युनिकेशन है ये सेंस कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है ठीक है तो यहाँ पर इधर हम वर्चुअल चैनल या वर्चुअल पाथ क्रिएट करते हैं या फिर फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो इसी कनेक्शन ओरिएंटेड बेस्ड हम यहाँ पर uh, कुछ चैनल्स देखेंगे कुछ पाथ देखेंगे जिसमें ठीक uh, है जो वर्चुअल कनेक्शन होगा एंड ये वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है ठीक है तो uh, यहाँ पर दो टर्म हमको दिख रहा है वर्चुअल चैनल एंड वर्चुअल पाथ्स ठीक है तो चैनल्स दैट मीन्स कि हमने पहले भी देखा है चैनल्स दैट मीन्स की जो वायर्स होता है ठीक है जो केबल्स होता है या जो मीडियम हम बोल सकते हैं जिस मीडियम का यूज करके हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं दैट मीडियम इज़ नोन एज अ चैनल ठीक है वो एक चैनल कहलाता है दैट मीन्स कि एक चैनल के थ्रू कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है ठीक है यहाँ पर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ऑल्सो uh, दूसरा जो टर्म है दैट इज़ पाथ दैट मीन्स कि जो भी डाटा हमें ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम नेटवर्क वन टू नेटवर्क टू ठीक है ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ तो ये एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा इधर ये प्री इस्टैब्लिश हो सकता है या फिर हर एक कम्युनिकेशन के लिए हमें एक नया पाथ इस्टैब्लिश करना पड़ जाए ठीक है तो ये उस बेसिस पे ये एक पाथ को फॉलो करता है दैट इज़ वर्चुअल पाथ ठीक है दैट मीन्स कि अगर हमारा कनेक्शन लेस है वायरलेस कनेक्शन हो रहा है तो एक वर्चुअल पाथ ही यहाँ पर क्रिएट कराता है फॉर डाटा ट्रांसफ़र तो बेसिकली uh, एटीएम जो है हमारे पास एटीएम दो टाइप का ट्रांसपोर्ट कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराता है ठीक है एंड दिज आर नोन एज वर्चुअल पाथ एंड वर्चुअल चैनल्स ठीक है तो एक्चुअल में वर्चुअल चैनल एंड वर्चुअल पाथ में थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है तो वर्चुअल चैनल जो है ये यूनिडायरेक्शनल uh, वे uh, है ठीक है जिससे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ठीक है दैट मीन्स कि uh, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ठीक है ये सपोज हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग uh, एंड है एंड दिस इज रिसीविंग एंड ठीक है तो ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए हमें कुछ चैनल्स का रिक्वायरमेंट होगा कुछ मीडियम चाहिए ठीक है uh, इधर हम वायरलेस uh, भी कर रहे हैं तो एयर के थ्रू तो एयर भी हमारा यहाँ पर एक चैनल की तरह बिहेव करेगा एक मीडियम की तरह बिहेव करेगा ठीक है एंड तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक पाइप की तरह हमें दिख रहा है एंड यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ हो रहा है ठीक है तो जो वर्चुअल पाथ है जो वर्चुअल चैनल है ये एक यूनिडायरेक्शनल पाइप होता है ठीक है जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को या फिर सीक्वेंस ऑफ सेल बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल ठीक है सिंस ए टी एम में यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफर होता है इन टर्म्स ऑफ सेल होता है ठीक है तो इसी सीक्वेंस ऑफ सेल को या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट सीक्वेंस ऑफ डाटा को यह ट्रांसफर करता है फ्रॉम रिसीवर ट्रांसमीटर टू रिसीवर दैट मीन्स की एक यूनि डायरेक्शनल पाथ या यूनी डायरेक्शनल मीडियम अवेलेबल कराता है जिससे हम डाटा को ट्रांसफर करा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर uh, जो चैनल्स है तो यहाँ पर आपको वी सी आई दिख रहा होगा ठीक है और रिसीविंग एंड पे भी हमको वी सी आई इस तरीके से दिख रहा है दैट मीन्स कि ये है वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर्स ठीक है तो जो चैनल्स है दैट मीन्स कि ये एक मीडियम होगा एंड इसी वर्चुअल चैनल्स का जो कॉम्बिनेशनस है ठीक है इन सभी को जब हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये पाथ को इंक्लूड करता है दैट मीन्स कि दिज आर नोन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल चैनल्स आर नोन एज वर्चुअल पाथ ठीक है तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको वी सी वन एंड वी सी टू दिख रहा है तो ये वी सी वन एंड वी सी टू ये जो है एक चैनल है ठीक है एंड ये चैनल कहाँ से होकर जा रहा है वी पी वन दैट मीन्स की एक फर्स्ट वी पी वन ठीक है वी पी आई वन यानी कि वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर वन तो ये जो इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों जिस पाथ से होकर गुजर रहा है ठीक है तो ये जो पाथ यहाँ पर क्रिएट कर रहा है दैट इज़ वी पी आई वन तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पाथ है हमारे पास वर्चुअल पाथ है इस पाथ में दो चैनल है वी सी वन एंड वी सी टू सेम तरीके से ये जो हमारे पास वी पी आई टू है यानी कि वर्चुअल पाथ टू है इसमें अगेन दो चैनल है वी सी वन एंड वी सी टू तो इस तरीके से यहाँ पर आ, हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ चैनल्स है ठीक है ग्रुप ऑफ वर्चुअल चैनल्स है उसको हम कंसिडर करते हैं एज़ वर्चुअल पाथ ठीक है अगेन यहाँ पर हमारे पास ये पाथ हो गया वी पी आई फोर ये फाइव है सिक्स है ठीक है सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पर डिफरेंट uh, पाथ है जिसके अंदर क्या है डिफरेंट चैनल्स रन कर रहा है एंड उन्हीं चैनल्स के थ्रू एक्चुअल में यहाँ पर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ठीक है तो हर एक चैनल के पास हर एक जो वर्चुअल चैनल होता है उसके पास अपना एक आइडेंटिफायर होता है ठीक है तो हर एक डाटा पैकेट्स के पास अपना कुछ एड्रेसेस होता है कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है आइडेंटिटी होता है तो सेम तरीके से यहाँ पर जिस चैनल के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करा रहे हैं तो उसका भी अपना एक आइडेंटिटी होगा दैट इज़ नोन एज वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर ठीक है वी तो हर एक चैनल के पास अपना एक आइडेंटिफिकेशन होगा उसे हम बोलते हैं वी ऑल्सो uh, जो वर्चुअल पाथ होगा वर्चुअल पाथ के पास भी अपना कुछ uh, ठीक है डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वी ठीक है वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर तो हर एक चैनल के पास अपना एक यूनिक वी uh, होता है ठीक है uh, यूनिक चैनल आइडेंटिफायर होता है अगर वो एक ही पाथ में फॉलो एक ही पाथ का अगर है ठीक है ये सपोज एक पाथ है वर्चुअल पाथ है तो इस पाथ में अगर दो चैनल हम यहाँ पर भेज रहे हैं ठीक है दो चैनल हम यहाँ से आ, दो चैनल के थ्रू अगर हम डाटा भेजना चाह रहे हैं वी सी वन एंड ठीक है वी सी टू तो यहाँ पर दो चैनल हमको दिख रहा है वी सी वन एंड वी सी टू तो इन दोनों ही चैनल का जो अपना आइडेंटिफिकेशन होगा ठीक है वी सी आई जो होगा दोनों ही आपस में यूनिक होगा ठीक है डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होगा अलग अलग चैनल आइडेंटिफाई इन दोनों को ठीक है दिया जाएगा बट अगर एक दूसरा अगर हम पाथ ले लें ठीक है सपोज वी पी टू है एक दूसरा पाथ अगर हम दे रहे हैं तो इस पाथ में जो चैनल हम यूज़ कर रहे हैं तो इस चैनल सपोज अगेन यहाँ पर हम वी सी वन एंड वी सी टू यूज़ कर रहे हैं तो ये जो वी सी वन एंड वी सी टू है ये अगेन जो यहाँ पर वी पी वन में जो वी सी वन था या वी सी टू था तो इसके साथ में ये मैच कर सकता है ठीक है सिंसी uh, ये दोनों का पाथ यहाँ पर अलग अलग हो गया तो अलग अलग पाथ में सेम आइडेंटिफायर के साथ से सेम आइडेंटिटी का जो चैनल है वो प्रेजेंट हो सकता है ठीक है बट एक सेम पाथ के अंदर दो सेम uh, आइडेंटिफिकेशन वाला चैनल्स अवेलेबल नहीं हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक चैनल के पास अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन uh, होता है आइडेंटिफाइ चैनल आइडेंटिफायर होता है ठीक है एंड अगर ये सेम वर्चुअल पाथ में है तो डिफरेंट वर्चुअल आइडेंटिफायर होगा ठीक है बट अगर सेम uh, अलग अलग पाथ में अगर सेम दो चैनल्स है ठीक है तो उनका पाथ नंबर या फिर सॉरी uh, उनका जो चैनल uh, आइडेंटिफायर है वो सेम टू सेम हो सकता है ठीक है ऑल्सो जो चैनल वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर एंड पाथ आइडेंटिफायर है ठीक है तो ये uh, ये जो कनेक्शन है ये डिफर डिफर uh, कर सकता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन दैट मीन्स कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा था ये आपका अगर सपोज़ सोर्स है ट्रांसमिटिंग एंड है दिस इज़ रिसीविंग एंड ठीक है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पाथ uh, नंबर है ठीक है वो चेंज हो सकता है ठीक है ऑल्सो जो चैनल uh, का आइडेंटिफायर है वो भी चेंज हो सकता है तो इसके लिए केस क्या है कि अगर वो uh, जो अपना पाथ है वो चेंज करता है ठीक है जो चैनल आइडेंटिफायर यहाँ पर वी सी वन एंड वी सी टू इसके पास अपना कुछ आइडेंटिफायर है चैनल का ठीक है अगर ये सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुँचने तक अगर ये पाथ बीच में चेंज करता है तो दैट मीन्स कि रिसीविंग एंड में उसका आइडेंटिफायर यहाँ पर चेंज हो जाता है ठीक है क्योंकि ये पाथ चेंज कर रहा है तो हर एक पाथ में जाने से इसका अपना आइडेंटिफायर ठीक है चेंज होगा एंड उसी तरीके से ये रिसीविंग एंड तक पहुंचते पहुंचते फाइनल जो इसका आइडेंटिफायर होगा वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा बट अगर ये सोर्स टू डेस्टिनेशन में uh, जाते वक्त अगर ये एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है अगर ये यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ वी पी वन के थ्रू होकर जाता सपोज ठीक है वी पी वन के थ्रू होकर ये डेस्टिनेशन तक पहुँच गया तो इसका जो वी सी आई होता वो कॉन्स्टेंट रहता ठीक है बट यहाँ पर uh, इस तरीके से नहीं हो रहा है ये वी सी वन यहाँ पर वी पी वन के थ्रू गया है ठीक है इस पाथ वन के थ्रू गया है देन यहाँ पर पाथ चेंज हुआ है ठीक है एंड देन ये यहां पर अगेन चेंज हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पर जो आइडेंटिफायर होगा चैनल का वो यहां पर डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है है तो सेम यहां पर पाथ के लिए भी होता है अगर वो ठीक है तो इस तरीके से अगर अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है डिफरेंट चैनल्स तो रिसीविंग एंड तक पहुंचते पहुंचते उनका अपना जो आइडेंटिफायर है वो चेंज हो सकता है बट वो चैनल जो है वो सेम रहेगा अगर वो सेम वर्चुअल पाथ के अंदर ही कनेक्शन ठीक है इस्टेब्लिश किए हुए हैं एंड सेम पाथ को ही फॉलो करके रिसीविंग एंड तक जाता है ऑल्सो यहाँ पर सेल सीक्वेंस को मेनटेन किया जाता है ठीक है सेल के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम रिसिविंग एंड टू ट्रांसमिटिंग एंड टू रिसीविंग एंड तो जो भी सेल के फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है किसी भी चैनल के थ्रू किसी भी पाथ के थ्रू अगर होकर जा रहा है तो यहाँ पर सेल सिक्वेंस को मेंटेन किया जाता है अगर ये सेल नंबर वन को पहले पहुँचना है तो ये सेल नंबर वन पहले ही पहुँचेगा ठीक है तो इस तरीके से ये यह यहाँ पर मेंटेन होता है यहाँ पर डाटा का कोई भी आ, जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर किसी तरीके का कोई गड़बड़ नहीं होता है ठीक है ऑल्सो जो वर्चुअल चैनल्स एंड वर्चुअल पाथ है ठीक है उनको ये श्योर करना होता है कि ये यू ओ एस ठीक है क्वालिटी ऑफ सर्विस इसको ये यहाँ पर नेगोशिएट करे दैट मीन्स कि इसको मेंटेन रखे ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर एक वी पी वर्चुअल पाथ स्विचिंग यहाँ पर दिखाया गया है ठीक है दैट मीन्स कि ये पाथ वी पी वन अगर था ठीक है तो ये पाथ वन इनिशियली क्या कर रहा था ये वी सी वन एंड वी सी टू चैनल को इंक्लूड कर रहा है ठीक है इसको uh, यहाँ से फ्लो होने में हेल्प कर रहा है एंड फाइनली इसका जो पाथ है ठीक है ये uh, एक सिंगल लाइन में ठीक है इस तरीके से नहीं होके इस तरीके से यहाँ पे स्विच हो रहा है दैट मीन्स कि अपना कुछ पाथ ये चेंज कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर पाथ स्विच हो रहा है ठीक है दैट मीन्स कि किसी टाइम पे ये पाथ वन का था ये पाथ टू है अगर सपोज ये पाथ थ्री के लिए है तो ये जो आपका वी पी वन है ठीक है ये एक टाइम पे ये ये वी पी वन है वी पी टू ये अगर पाथ टू है ये पाथ थ्री है ठीक है तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो ये पाथ वन में अभी लाई कर रहा है ठीक है बट इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पोर्शन अगर हम देख रहे हैं ठीक है यहाँ से कुछ दूर पर तो यहाँ पर ये पार्थ टू को भी ठीक है पार्थ टू में भी आ रहा है एंड कुछ पोर्शन ये पार्थ वन में भी है एंड इसके आगे आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली पार्ट थ्री के रेंज में है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर स्विचिंग होता है दैट मीन्स कि ये आ, जो चैनल्स है ठीक है ये अपना पाथ क्या कर रहा है चेंज कर रहा है ठीक है ये आ, कभी ये वी पी वन के पास था वी पी वन को फॉलो कर रहा है कभी ये वी पी टू को फॉलो कर रहा कभी है कभी ये वी पी थ्री को फॉलो कर रहा है तो ये जो वी सी वन एंड वी सी टू था वो तीनों चैनल्स तीनों पाथ को फॉलो करते हुए ठीक है रिसीविंग एंड तक पहुंचा है सेम अगर हम देखें वी सी थ्री एंड फोर के लिए तो ये भी यहाँ पर uh, पाथ टू में था बट कुछ देर के बाद ये पाथ वन में चला गया एंड फाइनल रिसीविंग एंड तक पहुँचते पहुँचते ये पाथ वन में ही गया ठीक है सेम फाइव एंड सिक्स के लिए भी चैनल्स के लिए भी देखे तो ये यहाँ पर थ्री को फॉलो कर रहा था बट कुछ टाइम के बाद ये टू को फॉलो किया एंड ये जो रिसीविंग एंड तक पहुँचते पहुँचते ये पाथ टू में चला गया ठीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो अपना पार्थ स्विच कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज वर्चुअल पार्थ स्विचिंग ठीक है यहाँ पर हम इजली देख सकते हैं ये पार्थ वन है पार्थ थ्री है पार्थ टू है ठीक है यहाँ पर पार्थ फोर है एंड यहाँ पर फाइव यहाँ पर आपको दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वी सी वन चैनल वन एंड चैनल टू जो है वो पाथ वन को अभी ट्रा, ट्रांसमिटिंग एंड में ये पाथ वन में जा रहा है ठीक है ये पाथ वन से निकला वी सी वन एंड वी सी टू बट ये आ, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे ये रिसीविंग एंड की तरफ जा रहा है ठीक है ये अपना पाथ चेंज कर लिया तो ये जो वी सी टू था ये वी सी टू कहाँ पर चला गया ठीक है पाथ टू में चला गया एंड वी सी वन जो था ये वी सी वन आपका कहाँ पर चला गया पाथ थ्री में चला गया ठीक है ये वी सी वन चैनल वन कहाँ पे चला गया अपना पाथ चेंज कर लिया थ्री पे एंड चैनल जो टू था ये पार चेंज कर लिया पाथ टू को ठीक है इस तरीके से ये रिसीविंग एंड पे जब आया तो ये पाथ uh, टू के थ्रू आया एंड वी सी वन जो था चैनल वन जो था वो आपका पाथ uh, थ्री के uh, थ्रू आएगा ठीक है तो ऑल्सो जब ये पाथ यहाँ पर चेंज कर रहा है तो इसके आइडेंटिफायर्स भी चेंज हो जाएंगे ठीक है हमने प्रीवियसली देखा कि अगर ये पाथ चेंज करता है बीच में ट्रांसमिटिंग एंड इन, टू रिसीविंग एंड के बीच में तो इनका आइडेंटिफायर्स भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर हमको एक वर्चुअल पाथ स्विचिंग यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो वर्चुअल पाथ या चैनल को सेटअप करने के लिए हमारे पास कुछ वेज हो सकते हैं चार तरीका यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो पहला है वर्चुअल चैनल और पाथ में भी प्रिजर्व विद द नेटवर्क एज इन केस ऑफ परमानेंट और सेमी परमानेंट कनेक्शन ठीक है दैट मीन्स कि हम कम्युनिकेशन करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं ठीक है ये हमारे पास ट्रांसमीटर है ये हमारे पास रिसीवर है ठीक है तो पहला जो वे हो सकता है वर्चुअल पाथ या वर्चुअल चैनल इस्टेब्लिश करने का वो हो सकता है कि हम परमानेंट कनेक्शन या सेमी परमानेंट कनेक्शन बेसिस पे इसको यहाँ पर ठीक है रिजर्व uh, करें दैट मीन्स की अगर हमारे पास वायरलेस कनेक्शन है तो हम वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं हॉटस्पॉट्स है? uh, के थ्रू कर सकते हैं ठीक है मॉडर्म्स राउटर्स के थ्रू कर सकते हैं तो ये सारा कनेक्शन स्टैब्लिश जब हम कर रहे हैं ठीक है तो हो सकता है कि एक बार अगर हमने इस रिसीवर के साथ इस ट्रांसमीटर को लिंक कर लिया तो इसके बाद हमें कभी भी डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो हम आ, सेम जो प्रीवियसली हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था उसी कनेक्शन बेसिस पे हमको फिर से इस ट्रांसमीटर के साथ लिंक करने के लिए हमें कोई यहाँ पर वेरिफिकेशन का नीड नहीं होगा ठीक है जैसे हम लोग अपने मोबाइल में अगर एक दूसरे मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ एक बार अगर हम पेयर हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम इजली बिना पासवर्ड के वहाँ पर एंटर कर सकते हैं तो सेम तरीके से हम यहाँ पर प्रीवियसली इस्टेब्लिश कनेक्शन बेसिस पे हम यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं ठीक है इधर ये परमानेंट और सेमी परमानेंट टाइप का हो सकता है सेकेंड वन इज़ अ न्यू कनेक्शन मे बी सेटअप आया मेटा सिग्नलिंग प्रोसीजर ठीक है तो दूसरा हम यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश करा सकते हैं मेटा सिग्नलिंग प्रोसेसर मेटा सिग्नलिंग एक्चुअली में होता है यहाँ पर दो सिग्नल यूज़ किया जाता है ठीक है करियर uh, फ्रिक्वेंसी के साथ एंड ये uh, अलग अलग एक ट्रांसमीटर से निकल रहा है ठीक है अलग अलग दो करियर फ्रिक्वेंसी का निकलेगा सिग्नल एंड दो ये अलग अलग रिसीविंग एंड को जाएगा ठीक है तो इस तरीके का जो सिग्नलिंग uh, प्रोसेसर है दैट मीन्स कि सिग्नलिंग सिंपली क्या है ट्रांसमिटिंग एंड से सिग्नल का निकलना है रिसीविंग एंड तक पहुंचना ठीक है ये मल्टीपल सिग्नल्स हो सकते हैं तो मेटा सिग्नलिंग प्रोसेसर इस तरीके का यहाँ पर uh, प्रोसेसर को यूज़ करता है इस कनेक्शन को भी इस्टेब्लिश करने के लिए ठीक है थर्ड वन इज़ मे बी सेटअप एज अ रिजल्ट ऑफ यूज़र टू नेटवर्क सिग्नलिंग प्रोसेस ठीक है तो अगेन यहाँ पर यूज़र टू नेटवर्क ठीक है तो एक यूज़र सपोज़ uh, हम हो गए हमारा डिवाइस हो गया ठीक है मोबाइल हो गया लैपटॉप हो गया टैबलेट हो गया एंड नेटवर्क दैट मीन्स कि डिफरेंट नेटवर्क हमने देखा था आई एस डी ए नेटवर्क हमने देखा है ए टी एम नेटवर्क है ठीक तो है तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स है डी एस एल नेटवर्क है तो ये सारे नेटवर्क uh, से कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास रिसीवर आएगा ठीक है तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर हो जाता है दैट मीन्स कि यूजर दैट मीन्स कि ये हमारा डिवाइस हो गया एंड हम अपने डिवाइस से अगर दूसरे डिवाइस को भेजना चाह रहे हैं तो वाया हम एक नेटवर्क के थ्रू होते हुए जाएंगे ये आई हो सकता है ए नेटवर्क हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये एक पाथ इस्टैब्लिश हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी पाथ या चैनल को इस्टैब्लिश कराने के लिए हम यूज़र टू नेटवर्क सिग्नलिंग प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज़ वर्चुअल चैनल कनेक्शन मे बी सेटअप विद इन एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल पाथ कनेक्शन बिटवीन टू यूजर नेटवर्क इंटरफेस यूजिंग अ यूज़र टू यूज़र सिग्नलिंग प्रोसेसर ठीक है चौथा uh, तरीका हमारे पास हो सकता है कि यूज़र टू यूज़र सिग्नलिंग प्रोसेसर का यूज़ करें ठीक है एंड यूज़र टू यूज़र दैट मीन्स कि एक लैपटॉप uh, यहाँ पर है ठीक है दूसरा लैपटॉप सपोज यहाँ पर है तो ये हमारे पास यूज़र का यूज़र टू यूज़र सिग्नलिंग हमें करना है ट्रांसमिशन करना है ठीक है डाटा सेंड करना है तो ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा दो डिवाइस के बीच में तो विद इन एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल पाथ ठीक है तो एक एग्जिस्ट uh, कर रहा होगा ठीक है प्रीवियसली तो एग्जिस्ट करने से पहले भी हमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना होगा तो ये कैसे होगा कनेक्शन बिटवीन टू यूजर नेटवर्क ठीक है दैट मीन्स कि अगेन यहाँ पे दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने के लिए एक हमें इंटरमीडिएट uh, नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होगा राउटर हो सकता है स्विच हो सकता है ठीक है आई एस डी एन ए टी एम डी एस एल तो किसी भी तरीके का यहाँ पर नेटवर्क होगा एंड इस नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर हम इस डिवाइस से इस नेटवर्क के थ्रू एंड इस नेटवर्क से देन यहाँ पर ये यह इस डिवाइस को कनेक्ट कराएंगे ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आ, दो यूज़र टू यूज़र सिग्नलिंग प्रोसेसर का यूज़ करके दैट मीन्स कि दो यूज़र या दो होस्ट के बीच में किस तरीके से आ, चैनल हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करा सकते हैं वाया यूज़र टू नेटवर्क ठीक है तो इस नेटवर्क इस का यूज़ use, ये यूज़र से नेटवर्क की तरफ जाएगा और नेटवर्क से अगेन यूज़र की तरफ तो ये इनडायरेक्ट uh, अगर हम देखें तो ये यूज़र टू यूज़र यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास चार तरीका है मेटा सिग्नलिंग हो गया नेटवर्क सिग्नलिंग यूज़र टू नेटवर्क सिग्नलिंग हो गया यूज़र टू यूज़र सिग्नलिंग हो गया एंड सिंपल जो हमारे पास दो डिवाइसेस के बीच में हम किस तरीके से परमानेंट या सेमी परमानेंट कनेक्शन बेसिस पे करा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर चार तरीका है इस तरीके से हम एक चैनल या फिर वर्चुअल पाथ स्टैब्लिश करा सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है तो ये हमारे पास था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ठीक है वर्चुअल पाथ एंड वर्चुअल चैनल्स तो ये हमारे पास सिम्पली uh, हम इसको एक मीडियम की तरह समझ सकते हैं दैट मीन्स कि वायरलेस या फिर सिंस ए जो है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है तो कनेक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होगा वाया वर्चुअल चैनल और वर्चुअल पाथ ठीक है तो ये सिंपली एक पाथ होता है एक फिजिकल पाथ हो सकता है या एक वर्चुअल पाथ हो सकता है ठीक है जिससे हम दो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में डाटा हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं So that's all about the virtual channel and virtual path. That's all. Thank you, everyone.